नाम अंकित दलवी है, मैं नीमच से हूँ। सितंबर 2021 में मुझे जिम करते वक्त एकदम से मतलब लेफ्ट लेग में पेन स्टार्ट हुआ। इनिशियली मुझे मतलब घुटने के यहाँ पे पेन हुआ करता था। दो तीन दिन हुए, 10 दिन हुए, फिर उसके बाद मैंने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है आयुर्वेद इसका भी ट्राई किया, पर मुझे पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला। देन आई वेंट टू अ डॉक्टर, फिर उन्होंने मुझे MRI का सजेस्ट किया नी का, बट नी में कुछ नहीं था ऐसा, बस देयर वाज एन इंप्रेशन इन द MRI की शायद कुछ हिप में है। तो फिर हिप का MRI हुआ और फिर उसमें ये पता चला कि AVN है दोनों हिप्स में। okay. और लेफ्ट वाले में और राइट दोनों में मतलब स्टेज 2 में था, लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा था और राइट में थोड़ा कम था। मुझे डर था मेरे अंदर। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि मतलब कैसे इसको बचाया जा सकता है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेडिसिन खाई, आयुर्वेद की खाई और भी जो अलग अलग फील्ड्स होती हैं उनकी भी खाई, बट कहीं पे भी काम नहीं, कुछ मतलब कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। देन आई केम अक्रॉस कि ऐसा एक कुछ एक थेरेपी होती है जिसको स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, विथ कोल्ड डिकम्प्रेशन। तो उसमें आई केम टू नो अबाउट दैट, फिर उसके बाद में मतलब उसके बारे में भी रिसर्च करी, फिर थोड़े टाइम के बाद में परफॉर्म भी करवा दिया। ओके, वो प्रोसीजर आपने करवा लिया? हाँ, वो प्रोसीजर मैंने करवा लिया। फिर उसके बाद इनिशियली 1.5 मंथ अराउंड 1.5 मंथ में बेड पे रहा, मतलब वॉकर यूज करता था बेड पे रहा, पेन फिर भी था। फिर उसके बाद में जब वॉकर छूटा थोड़े दिन, शायद 10-15 दिन या फिर और थोड़ा उससे ज्यादा रहा होगा, फिर मैं वॉक भी करने लगा था, पर धीरे धीरे पेन मेरा बढ़ता गया। Okay. और मतलब ये बढ़ते बढ़ते इस बारिश में, मतलब क्योंकि मैंने ये प्रोसीजर इसी साल अर्ली दिस ईयर 2021 में करवाया था, 22 में प्रोसीजर अभी करवाया इसी साल। ओके, अर्ली दिस ईयर। ओके, फिर उसके बाद में ये हुआ कि पेन बढ़ता गया, डेली बढ़ता गया मेरी, मैं बाइक चलाना मेरा बिल्कुल बंद हो गया। और धीरे धीरे मतलब ये कंडीशन आ गई थी कि मैं जो स्कूटी होती है, जो स्कूटर होता है, स्कूटर चलाने लगा और स्कूटर पे भी मैं अपने पैर नहीं अच्छे से स्प्रेड करता था। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिट ऑन द स्कूटर तो मुझे बहुत सीवियर पेन होने लगता था मेरे लेग पे। और ये एक पेन था, एक पेन ये होता था कि चलना तो खैर मतलब इतना इजिली हो ही नहीं पा रहा था, चलने में भी ये होने लगा कि मतलब लिम्प बहुत ज्यादा आने लगा और थोड़ा सा चला और पेन होने लगा। यानी आप कितना डिस्टेंस चल पा रहे थे इन एंड की पेन हो जाता था? जब प्रोसीजर हुआ उसके बाद जब चलना स्टार्ट किया तब थोड़ा बहुत मैं चल रहा था, एक आधा किलोमीटर के आसपास। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे रिड्यूस ही होते गया और मतलब फिर तो ये हालत हो गई कि रूम से नीचे भी नहीं उतर पा रहा था मैं। स्टेयर के बिल्कुल मैं स्टेयर्स नहीं ले पा रहा था, जीरो। तो इवन 50 मीटर आप चल फिर नहीं पा रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैंने बंद ही कर दिया था, कोई नहीं पा रहा था। ओके, क्योंकि वो सर्जरी फेल हुई थी शायद इनिशियल, जो स्टेम सेल कोल्ड डिकम्प्रेशन था। ठीक है। ओके, और ये कब तक यानी फेल हो गया था सर्जरी? आपने जनवरी में करवाया था, फेब 22 में। ठीक है, और फिर फेलियर कब तक चला आपका ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो सर मतलब हाँ 2-3 महीने बाद से स्टार्ट हो गई थी। okay. फिर उसके बाद में वो मतलब बिगड़ती बढ़ती गई। okay. मतलब ये कंडीशन आ गई थी कि मैं खड़े भी नहीं हो पाता था। okay. मैं खड़े भी होता था तो मुझे सीवियर पेन होने लग जाता था लेफ्ट में, जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस था। चेयर पे बैठता था तो बैठने के बाद में मतलब ऐसा लिम्प होता था मेरा कि मतलब ऑलमोस्ट इस तरीके से बॉडी शेक करती, बॉडी का शेकिंग होने लगा। फिर आगे फिर होते होते ये हो गई, सितंबर तक आते आते ये हालत हो गई कि जो मैं स्कूटर चला रहा था मैं वो भी नहीं चला पाया। ओके, मतलब मैं बैठना ही बंद हो गया। मैं फिर 4-व्हीलर पे आ गया और 4-व्हीलर में भी क्लच दबाना पड़ता है लेफ्ट वाले से, तो वो क्लच दबाने में मुझे इतना पेन होता था कि मैं 4-व्हीलर चलाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो चलाया तो सही मजबूरी में, पर हाँ ये है कि मतलब कंडीशन बेकार हो गई, घर नहीं जा पाया 7-8 महीने से, क्योंकि घर वालों से कह गया था, मैं बता नहीं पा रहा था अपनी कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी। मतलब ये इस तरीके का मतलब ये था कि फिजिकली तो हुआ, मेंटली भी हुआ, मतलब दोनों तरह से। सो इट वाज अ टफ फेस फॉर यू, बहुत ज्यादा जब स्पेशली सर्जरी फेल हो गया, सो यू हैड टू गो थ्रू अ टफ टाइम। फिर उसके बाद में फिर मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि हाँ अब आई हैव टू मूव ऑन।